अस्सलामुअलैकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम। कैसे आप लोग सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम कोशिश करेंगे अपने एक और टॉपिक की तरफ बढ़ने के। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और टॉपिक हमारे पास है सेल। सेल बेसिकली, जैसे हम जानते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी को काम देने की सलाहियत और साख देने की सलाहियत यही सेल देता है। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो बेसिकली यही सेल है, जो कि हमें साख देने की सलाहियत और जो कि हमें काम देने की सलाहियत देते हैं। इस वक्त अगर हम कोशिश करेंगे एक एनिमल सेल ड्रॉ करने की, तो एक एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन है उसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम इसके सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में मौजूद क्या मिलेगा हमें? न्यूक्लियस मिलेगा। तो न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर में पाया जाता है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में मौजूद क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली साइटो का मतलब है सेल, और साइटो का मतलब है सेल, और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। इन फ्लूइड में मौजूद हमारे सेल के बहुत सारे ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि गोल्जी बॉडीज है, जैसे कि राइबोसोम्स है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनलीज है। तो आज हम इन्हीं ऑर्गेनलीज के बारे में भी डिस्कशन रखेंगे। याद रखिए कि इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान यहाँ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स है। इन इंटरकनेक्टेड यानी एक दूसरे से जुड़े हुए ट्यूब्स, इन इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने स्ट्रक्चर की वजह से और राइबोसोम्स के फंक्शन की वजह से हम इन्हें, राइबोसोम्स के लोकेशन की वजह से हम इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और दूसरे को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद रखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें मौजूद राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और यही राइबोसोम्स मौजूद कहाँ पे होते हैं? यही राइबोसोम्स मौजूद इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ये डॉट्स मौजूद है, एंड दीज डॉट्स आर बेसिकली द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, प्रोटीन बनाने का। इसी तरह अगर हम निचले रीजन स्मूथ एंड यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निचले रीजन में देखेंगे तो इनको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट कंटेन एनी डॉट्स। ठीक है, जब इनके ऊपर डॉट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो राइबोसोम्स ना होने की वजह से ये राइबोसोम्स को साइड तो नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे ये करते क्या है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और इसके अलावा यही रफ और स्मूथ दोनों मिल के, ठीक है, क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। दोनों मिल के सेल को एक स्केलेटन दे रहा है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साथ साथ इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ यहाँ फ्लैटेंड सेक हमवार थैलियाँ मौजूद है। उन हमवार थैलियों को हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज का नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, गोल्जी अपैरेटस के नाम या गोल्जी बॉडीज का नाम देखे। ये जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद राइबोसोम्स बनाते हैं, यही प्रोटीन राइबोसोम्स किसके पास भेजते हैं? गोल्जी बॉडीज के पास। और गोल्जी बॉडीज जस्ट उन प्रोटीन्स को एक खास थैले के अंदर बंद करते हैं। जब प्रोटीन को बंद करेंगे तो इस बंद थैले के फॉर्म को हम कहते हैं वेसिकल। तो यानी कि इन्हीं का काम क्या है कि प्रोटीन को वेसिकल का शक्ल देना और प्रोटीन को इन वेसिकल का फॉर्म देना। बाज़ औक़ात इन वेसिकल को हम लोग जो है वो लाइसोसोम भी कहते हैं, जो सेल के अंदर स्प्लिटिंग बॉडीज की सलाहियत रखते हैं, जो सेल के अंदर यानी कि तोड़फोड़ ब्रेकिंग बॉडीज है या स्प्लिटिंग बॉडीज है, सेल के अंदर ब्रेक डाउन का काम करता है, तोड़फोड़ का काम करता है।
किस चीज को तोड़ता है? सेल में मौजूद बहुत सारे एनिमल सेल में मौजूद बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो लिहाजा ये क्या करते हैं, ये उन वैक्यूल्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी उन वैक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं, उन वैक्यूल्स की तोड़फोड़ करते हैं। लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये इन वैक्यूल्स को तोड़ेंगे तो वैक्यूल्स में बेसिकली मौजूद क्या है, फूड या फिर वेस्ट, तो ये उस फूड और वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे और उन्हीं से सेल को एनर्जी प्रोवाइड करके देंगे, जिसकी वजह से जो है सेल में एनर्जी होती जाएगी और सेल का सफाया भी इसी लाइसोसोम की वजह से होगा, जो कि गोल्जी बॉडीज नहीं राइबोसोम्स को, यानी कि राइबोसोम्स ने जिन प्रोटीन को बनाया था तो इन्होंने इनको वेसिकल के अंदर बंद कर दिया, लिहाजा उनका फंक्शन चेंज होने लगा। तो राइबोसोम्स सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं पाए जाते, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं, कि जो उसके स्कैटर्ड सूरत में है, मुंतशिर सूरत में है। लेकिन इन्हीं राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का, और ये प्रोटीन फिर कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडीज के पास, और गोल्जी बॉडीज ने उन्हें पैक करना है। तो गोल्जी बॉडीज का काम जो है वो मेनली क्या है, पैकिंग का। तो पैकिंग का काम कौन करेगा, पैकिंग का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज करेंगे, क्लियर। इसी के साथ साथ इस सेल के अंदर मौजूद जूते की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, शू लाइक या सिलेंड्रिकल लाइक, जिनको हम कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सेल को एनर्जी बना के देता है, ठीक है, सेल को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना के देता है। तो एनर्जी बनाने की वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल के लिए एनर्जी बनाने का घर, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। इसी तरीके से यानी जो ग्लूकोज इस सेल के अंदर मौजूद है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ेंगे और उनसे एनर्जी हासिल करेंगे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह इस न्यूक्लियस से ऊपर एक पियर की सूरत में, जोड़े की सूरत में मौजूद ऑर्गेनली है, जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। बेसिकली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो कि सेल डिविजन में मदद देते हैं। सेल डिवीजन में जब भी माइटोसिस का प्रोसेस होता हो, एक सेल दो में डिवाइड होने की तरफ जाता हो, तो उस वक्त सेंट्रियोल्स अपीयर होते हैं, और सेंट्रियोल्स बेसिकली क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और माइटोसिस के प्रोसेस को होने देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में मौजूद जो फ्लूइड होता है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद थ्रेड लाइक दागों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है। और इन्हीं डीएनए के ऊपर अगर हम देखें तो डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स बेसिकली हेरिडेटरी मटेरियल है, ये खसूसियात को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो अगर हम देखें माँ बाप से बच्चों में जो भी खसूसियात है वो इन्हीं जीन्स के जरिए माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो जीन्स कहाँ पे है, डीएनए क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक्सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे पास एक सेल है जो कि एनिमल सेल है, और यहाँ तक हमने इनके जो मेन ऑर्गेनलीज थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, और जो नॉन ऑर्गेनलीज पार्ट थे वो भी हमने डिस्कस कर दिए। तो यहाँ तक आपका एक बेसिक सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, सो यू मे आस्क फॉर फर्दर डिटेल, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।